ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। अनिल शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो दिन थे जब कैलेंडर निकलता था और जहां पत्थरबाजी और हड़तालें होती थी, उसमें क्या कोई अमन चैन था? भारत का झंडा पकड़कर और भारत के आईन को अपने दिल में बिठाकर इन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपने परिवार को खतरे में डाला, अपने बच्चों को खतरे में डाला। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे सरपंचों पंचों ने 25 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी इस जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अनिल शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार नहीं मानता है, लेकिन हम कहते हैं हमारी जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट है ये आगे बढ़नी चाहिए। ये जो डेवलपमेंट है जैसे हमने 5 साल से लगातार जो चलाते रहे, हम जो डिमांड करते हैं अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो नया ये जो इलेक्शन है ये जल्द से जल्द होना चाहिए पंचायत का, अगर नहीं तो तीनों टायरों को डिसॉल्व करिए आप। जो आपके साथ हमारी पूरी पंचायत की उम्मीदें आपके साथ हैं सर, और हम सर आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं दोष बदोष, उस तरीके से जहां भी आपको जरूरत पड़े हमारी, हम आपके दोष बदोष आपके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 सालों में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और खसूसन बिल खसूसन जो कश्मीर के अंदर हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तमाम लीडरों ने, चाहे वो हमारे वजीर आला रहे चाहे वो हमारे वजीर रहे, जितने काम जहां पे किए हैं उससे 10 गुना ज्यादा काम हमारे पंचों सरपंचों ने इन 5 सालों में। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। थोड़ा सा बता दीजिएगा, आज आप जिला कुलगाम के देवसर इलाके में हैं, तो ये जो पीआरआईज के साथ आपकी मीटिंग है, मकसद क्या है? देखिए, आज इस वक्त हम लोग कश्मीर वैली के जिला कुलगाम और सरजमीन देवसर में इस वक्त हम लोग हैं, और हमारी मीटिंग जहां देवसर के अंदर हुई, और इस जो मेन मौजू था हमारा, जो मेन माकफ और मकसद था जहां आने का, वो यही है कि पिछले 10 दिन से हम लोग हर एक जिला के अंदर, ब्लॉक के अंदर हम लोग जा रहे हैं, पंचायतों के अंदर जा रहे हैं। लोगों ने बड़े मुश्किल हालात से जो लोग दो चार हुए हैं, इन लोगों ने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं, और उन हालात में जे सरपंच और पंच उठे थे, जिन हालात में जहां के पॉलिटिकल रीजनल बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस इलेक्शन का, पंच और सरपंच की इलेक्शन का डर और खौफ की वजह से बायकॉट कर दिया, लेकिन जे तमाम हमारे सरपंच हजरात जो है जे उस वक्त 2018 दिसंबर में और 2020 में उठे और इन्होंने भारत का झंडा पकड़कर और भारत के आईन को अपने दिल में बिठाकर इन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपने परिवार को खतरे में डाला, अपने बच्चों को खतरे में डाला, अपने आप को खतरे में डाला। इन लोगों ने इतना काम का जहां पे किया, अब 3-tier सिस्टम के अंदर फर्स्ट ईयर में पंच और सरपंच हैं, सेकंड ईयर में बीडीसी हैं, और थर्ड ईयर में जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है। जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी की टर्म जो है 2025 अक्टूबर नवंबर तक जो है वो है, और पंच सरपंच की टर्म जो है वो अभी 9 जनवरी 2024 को जो है वो खत्म होने जा रही है। तौरे प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, हमारा ये कहना है इन लोगों की कुर्बानियों को देखते हुए, इन लोगों की स्ट्रगल को देखते हुए, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे सरपंचों पंचों ने 25 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी इस जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का झंडा बुलंद रखा, इन कुर्बानियों को देखते हुए हमारी मांग है हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब से, हमारी मांग है वजीर दाखिला अमित शाह साहब से, हमारी मांग है जहां जूनियर टेरिटरी के एलजी मनोज सिन्हा साहब से, कि इन तमाम लोगों की कुर्बानियों को देखते हुए इनको 2 साल की एक्सटेंशन जो है वो दी जाए, जरूर, ताकि
ये लोग दो साल और अपनी सर्विस अपने लोगों को दें और जब डीडीसी की टर्म खत्म हो 2025 में तो एक ही वक्त पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के दोबारा से चुनाव करवाए जाएं, ये तमाम लोग चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। ये तमाम लोग ये कहते हैं कि हम लोग खुल के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि वो वक्त गुजर गया जब एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर फार्म भरवाने पड़ते थे। आज की तारीख में हमारे तमाम जो देशभक्त लोग जो हैं, जिन्होंने भारत का झंडा उठाया हुआ बुलंद किया है, इन लोगों की वसाकत से जो हमारे आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के तमाम जो मेंबरान हैं, ऑफिस बेरर हैं, इन्होंने इतनी मेहनत जहां कुलगाम के अंदर हो कश्मीर के अंदर हो की है कि आज एक एक पंचायत में आपको चार चार कैंडिडेट देखेंगे। आज एडमिनिस्ट्रेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी वजह से एक्सटेंशन नहीं दे सकते तो डीडीसी को भी डिजॉल्व करके एक ही वक्त पे चाहे दो महीने के बाद चुनाव करवाएं, हम तमाम लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अगर जिंदा रखना है, जिसकी वसाकत से कश्मीर हो जम्मू हो घर घर तक लोगों की डेवलपमेंट हो पाई है, अगर ये तमाम चीजें जिंदा रखनी है तो ये चीजें जो है हमें करनी होगी।